राम राघोबा राणी। राम राघोबा राणी का जन्म मराठा समुदाय से संबंधित परिवार में हुआ था। बाद में वे दक्षिण भारत में बस गए। उन्होंने लगभग 21 वर्ष तक सेना में सेवा की और 5 मेंशन इन डिस्पैच प्राप्त किए। 1947 में उल्लेख किया जाता है कि उन्होंने मीडियम मशीन गन से दुश्मन के विमान को भी मार गिराया था। उनका जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के चेंदिया गाँव में हुआ था, जहां उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उनके पिता पुलिस में थे, जो एक स्थानांतरणीय नौकरी थी। राणी भी अपने माता पिता के साथ घूमते रहते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई देश के अलग अलग हिस्सों में हुई। एक सैनिक भी दिल से एक खिलाड़ी होता है, और राणी भी ऐसे ही थे। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 22 वर्ष की आयु में सेना में शामिल हुए। उन्हें जुलाई 1940 में बॉम्बे स्पेंसर्स में 1950 तक 37 फील्ड कंपनी में रहे, और उसके बाद बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप सेंटर में तैनात हो गया। 1947-48 के युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कश्मीर महाप्रभु मेले के दौरान वह थल सेना अध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 1971 तक सेना के साथ काम करते रहे। सेना के साथ हमारे दिल में उनका आज भी एक विशेष स्थान है और हमेशा रहेगा। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे। 8 अप्रैल 1948 को दो लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे बॉम्बे इंजीनियर्स में थे। मोसेरा से राजौरी तक 26 मील की सड़क, जो बहुत पहाड़ी दृश्य से होकर गुजरती है, पर खदान और सड़क अवरोध साफ करने वाली पार्टी का प्रभारी बनने का आदेश दिया गया। उस नाथपुर दक्षिण के पास जब दो लेफ्टिनेंट राणे अपनी पार्टी के साथ आगे की बारूदी सुरंगों को साफ करने का काम शुरू करने के लिए टैंकों के पास इंतजार कर रहे थे, तभी दुश्मन ने इलाके में भारी मोर्टार दागना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दो लोगों की मौत हो गई। खदान साफ करने वाली पार्टी और 5 अन्य मारे गए। दो लेफ्टिनेंट राणे सहित घायल इस अधिकारी को तुरंत अपनी पार्टी का प्रकोप रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। लगातार उस दिन वह दुश्मन की भारी मशीन गन के नीचे टैंकों के पास थे। लगभग 4:30 बरावली रेज पर कब्जा करने के बाद, यह जानते हुए भी कि दुश्मन क्षेत्र से पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, इस अधिकारी ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया और टैंकों के आगे बढ़ने के लिए डायवर्जन तैयार नहीं हो गया। जैसे ही बख्तरबंग दस्ता आगे बढ़ा, वह अग्रणी वाहक में चढ़ गए और आगे बढ़ गए। लगभग आधा मील आगे बढ़ने के बाद वह देवदार के पेड़ों से बनी एक सड़क पर आए। वह तुरंत घोड़े से उतर गए और पेड़ों को उड़ा दिया। आगे बढ़ना जारी रहा एक और 300 गज और वहीं कहानी दोहराई गई। इस समय तक 5 बज चुके थे। सड़क साफ की भांति पहाड़ियों को चारों ओर घूम रही थी। अगला सड़क अवरोध एक नष्ट हुई पुलिया थी। लेफ्टिनेंट राणी फिर से काम पर लग गए। इससे पहले कि वह काम शुरू कर पाते, दुश्मन ने मोर्चा खोकिन अद्भुत साहस और नेतृत्व के साथ उन्होंने दिशा बदल ली। उन्होंने अपना रास्ता 18 से 15 घंटे हो गए थे। रोशनी तेजी से खत्म हो रही थी। वाहक को खदानों से घिरे और मशीन गन की आग से घिरे 5 बड़े देवदार के पेड़ों की एक दुर्जय सड़क का सामना करना पड़ा। उन्होंने खदानों को हटाना शुरू कर दिया और सड़क की रुकावट को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लेकिन बख्तरबंद कॉलम कमांडर ने स्थिति की सराहना करते हुए कॉलम को एक बंदरगाह क्षेत्र में पहुंचा दिया। 10:45 पर लेफ्टिनेंट राणे के टैंक की एक टुकड़ी के सहयोग से दुश्मन की मशीन गन फायरिंग के बावजूद सड़क ब्लॉक पर काम शुरू किया। लेफ्टिनेंट राणे ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 6:30 बजे तक इस बाधा को पार कर लिया। सड़क का अगला 1000 गज अवरोध और टूटे हुए तटबंधों का ढेर था। इतना ही नहीं, दुश्मन ने पूरे क्षेत्र को मशीन गन की आग से ढक दिया था। लेकिन अलौकिक प्रयासों के घायल होने के बावजूद इस अधिकारी ने शांत साहस, अनुकरणीय नेतृत्व और व्यक्तिगत जीवन के लिए पूर्ण अभिच्छा के साथ 10:30 तक सड़क साफ कर दी। क्यों ना मिले ऐसे महान लोगों को परमवीर चक्र। वंदे मातरम।